दोस्तों, क्या आपको पता है कि एंड्रॉइड फ़ोन्स में बहुत सारे सीक्रेट्स अभी भी छिपे हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सीक्रेट ट्रिक्स से आप किसी को भी सरप्राइज कर सकते हैं? और इन ट्रिक्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें ज़रूर। मैं हूं आपका दोस्त और यह है आपका अपना चैनल FreshTube Tech। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इसमें तो कुछ पैसे लगते हैं नहीं और मैं हर वक्त कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो डालते ही रहता हूँ। दोस्तों, चलिए देखते हैं। ट्रिक नंबर वन, मेरा सेल फोन का होम स्क्रीन है। यहाँ पे आपको डायल करना है *#0*#। इससे क्या होगा, आपके सेल फोन पे एक ऐसा स्क्रीन पॉपअप होगा जिससे आप बहुत कुछ चेक कर सकते हैं, जैसे आपका रेड इफेक्ट आपका कैसा होगा स्क्रीन में, उसके बाद ग्रीन इफेक्ट कैसा होगा और ब्लू इफेक्ट कैसा होगा, इसके बाद आपका सेल फोन का टच रिस्पॉन्स कैसा है, उसको आप पूरे जितने भी स्क्वायर से आप पूरा ड्रॉ कर दीजिए। अगर एक भी छूट गया तो इसमें के लिए एग्जिट नहीं होगा। चलिए मैं पूरा आपका बताऊँ, पहले एग्जिट नहीं होगा, शायद कहीं पर छूट गया होगा। ये मेरा एक स्क्वायर छूट गया यहाँ पे। तो और फ्रेंड्स, इसको अगर एग्जिट करना होगा हो तो आपको एग्जिट में आपको डबल क्लिक करना होगा, सिंगल क्लिक से ये एग्जिट होगा नहीं। और यहाँ आप बाकी भी बहुत सारे फीचर्स चेक कर सकते हैं, जैसे आपका स्पीकर कैसा है, आपका वाइब्रेशन कैसे होता है आपका सेलफोन का, आपका ड्रीमिंग मोड कैसा है, आपका फ्रंट कैम कैसा है, स्पीकर कैसा है और भी बहुत सारे हैं। तो आपको जब आप डायल करेंगे तब आपको पता चल ही जाएगा। वैसे दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही सीक्रेट कोड का मेंशन किया है। वैसे एंड्रॉइड में तो बहुत सारे सीक्रेट कोड्स होते हैं, जैसे आपका *#0*#, इससे आपका सेलफोन का IMEI नंबर चेक हो जाएगा और भी बहुत सारे होते हैं। बाकी सबको मैं अगले वीडियो में बता दूँगा। फिलहाल तो मुझे इससे भी बड़े सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करना है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर टू, इसके लिए आपको अपने सेलफोन को स्विच ऑफ कर लेना होगा और उसके बाद आपको अपने सेलफोन पे लॉक स्क्रीन की और वॉल्यूम की और अगर आपके सेलफोन पे होम की है तो दोनों को एक साथ प्रेस कर दीजिए और करने के बाद आपको एक ऐसा स्क्रीन दिख जाएगा। दोस्तों, थोड़ी देर वेट कीजिए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद आपको एक ऐसा स्क्रीन दिख जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस स्क्रीन के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो तो आप छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपका कभी आपने अपने सेलफोन का पैटर्न रख दिया और उस पैटर्न को आप भूल गए तो उसे खोलने के लिए आप अपने दोस्तों उसे तो खोल नहीं पाएंगे आप, और उसे खोलने के लिए आप दुकान में जाते हैं, वहाँ पे कहते हैं इसे मुझे खोल दो और वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी करते हैं। तो अगर आप इस पेज को अच्छी तरह जान लें तो उस पैटर्न लॉक आप खुद भी खोल सकते हैं और इससे बहुत सारे और बहुत कुछ इसमें ट्रिक्स होते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूँगा। तो इस वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं एक अगला वीडियो एक बनाऊँगा उसमें आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स में बता दूँगा कि आपको पैटर्न कैसे लॉक खोलना होता है। तो चलिए चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ। ट्रिक नंबर थ्री, इस ट्रिक से आप अपने सेलफोन को 2 गुना तेज़ी से चार्ज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आजकल के सेलफोन्स में तो वैसे टर्बो चार्जर होते ही है और उसमें आप फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिल ही जाता है। ये ट्रिक्स जस्ट अप्लाई होता है ओल्ड सेलफोन में जिसमें आप लोग का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन रहता नहीं है। तो ये ट्रिक्स है कि आप जब चार्ज करें अपने सेलफोन को फ्लाइट मोड में डालकर चार्ज करें, इससे क्या होगा आपका सेलफोन में जल्दी चार्ज हो जाएगा। और इस फ्लाइट मोड को डालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है, सिर्फ अपने सेलफोन के सेटिंग में चले जाइए। ये मेरा सेलफोन का सेटिंग है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्लाइट मोड का, उसे ऑन कर दीजिए तो आपका फ्लाइट मोड ऑन हो जाएगा और इससे आपका चार्ज भी 2 गुना तेज़ी से होगा। ये सिर्फ पुराने फ़ोन्स में होते हैं, नए फ़ोन्स में तो वैसे भी आपके टर्बो चार्जर्स रहते ही हैं, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन रहते ही है। तो आप अप्लाई कीजिए जब आपका जल्दी चार्ज होगा। ट्रिक नंबर फोर,
दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको सिर्फ अपने सेलफोन के वॉल्यूम की, स्क्रीन लॉक की और अगर आपके सेलफोन होम की है तो तीनों को एक साथ प्रेस करना होगा और आपका स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। ट्रिक नंबर 5, दोस्तों अगर आपका सेलफोन कभी गुम हो गया हो तो इस ट्रिक से आप अपने सेलफोन को वापस पा सकते हैं। तो कैसे ये होता है चलिए देखते हैं। इसमें आपको अपने लॉक स्क्रीन में अपना इन्फॉर्मेशन देना होता है और इसके लिए आपको अपने सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको टैप करना है और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे ओनर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको अपना इन्फॉर्मेशन डाल देना है। तो मेरा लिखा हुआ था माय सेलफोन, इसे मैं चेंज कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्लीज कॉन्टेक्ट मी इफ यू गेट द मोबाइल। और मैं यहाँ पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, तो आप भी अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देना। तो इससे क्या होता है, आपका अपने सेलफोन को पाने का उम्मीद रहता है। तो वैसे अगर बुरे आदमी के हाथ लग गया तो वैसे भी मिलना नहीं है, लेकिन अगर किसी भले आदमी ने आपका मोबाइल ले लिया तो शायद आपको वो कॉल करके आपका सेलफोन लौटा दे। तो ट्राई करने में क्या होता है, ट्राई तो करना जरूरी है ना, सबको भी ट्राई करना होता भी है। तो आप भी ट्राई कर लीजिए, ये देख सकते हैं मेरा होम स्क्रीन में मेरा इन्फॉर्मेशन आ गया, आप देख सकते हैं इसकी पेज। तो यही है दोस्तों। और दोस्तों एक ऐसा इंसिडेंट मेरे दोस्त के साथ हो भी चुका है, क्या है कि उसका एक सेलफोन गुम हो गया था और किसी भले आदमी ने उसे ले लिया। तो उस आदमी ने मेरे दोस्त को कॉल करके उसका सेलफोन रिटर्न कर दिया था। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ज़रूर, अगर किसी भले आदमी ने आपका सेलफोन ले लिया तो ज़रूर रिटर्न कर ही देगा, तो ट्राई कीजिए। और दोस्तों अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको किसी सेलफोन को कैसे ट्रैक करना होता है, अगर आपके सेलफोन गुम हो गया है तो उसे कैसे ट्रैक करके आप पा सकते हैं, या किसी के भी सेलफोन को आपको GPS के द्वारा कैसे ट्रैक किया जाता है। तो इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।